हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स सेकंड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई क्या होता है पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, उसमें देख लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे कांच का कोई ग्लास ले लें, उसमें पानी भर लें, पेंसिल डालें, वो तिरछी दिखाई देती है। जहाँ पे वो है उससे कुछ ऊंची उठी हुई दिखाई देती है, कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है होती, वो ग्लास में एकदम नीचे ही है, ग्लास से सटी हुई होती है, लेकिन वो हमको कुछ ऊंची उठी हुई दिखाई देती है, उसे ही हम लोग आभासी गहराई कहते हैं। हमको ऐसा आभास होता है कि वो ऊपर उठी हुई है, लेकिन वो ऊपर उठी हुई नहीं होती है, और ग्लास में टच रहती है, ग्लास में छुई हुई रहती है, तो जो ग्लास तक की लंबाई है वो वास्तविक गहराई होगी, और जितना ऊपर हमको उठी हुई दिखाई देती है वो उसकी आभासी गहराई होगी। तो थोड़ी सी बात आपको वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का आइडिया समझ में आए क्या मतलब है। जैसे ये कोई हम बीकर ले लें, उसमें ऐसे इतना पानी भर दें, इसमें अगर हम पेंसिल डालें तो तिरछी दिखाई देगी, या अगर हम सिक्का डाल दें, कौन सा सिक्का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, चाहे जितने का सिक्का डाल दें, नोट मत डालिएगा, सिक्का डालना है, सिक्का डालेंगे तो सिक्का रहेगा एकदम यहाँ सतह पे ही। सिक्का जैसे हमने डाला, क्वाइन हमने डाला, तो जिस बीकर में या ग्लास में हमने क्वाइन को डाला है वो जाके उस बीकर के सतह पे टच हो जाएगा, लेकिन हमको वो लगेगा कि कुछ ऊपर उठा हुआ है। हमको क्या लगेगा कि वो ऊपर उठा हुआ है, जैसे यहाँ पे पड़ा है तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये हमको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो जो सतह से टच है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक गहराई, जो सतह से छुई हुई है, जो सतह से टच है, जो सरफेस से टच है, सतह से छुई हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक गहराई, जो वास्तव वाली गहराई है, वास्तव में वो टच है सतह से, वास्तव में सिक्का ग्लास के सरफेस से टच है, तो वो उसकी वास्तविक गहराई हो गई। वास्तविक गहराई को हम लोग इंडिकेट करते हैं एच से, कहीं कहीं पे कैपिटल डी से भी इंडिकेट कर दिया जाता है, तो इंडिकेशन में आपको परेशान नहीं होना, इंडिकेशन तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग भी करते हैं। जितनी अलग अलग प्रकार की बुक हम देखेंगे उसमें कहीं पे डी से, कहीं पे एच से, कहीं पे एच डैश से इंडिकेट कर दिया जाता है, तो इंडिकेशन में बिल्कुल परेशान नहीं होना। वास्तविक गहराई को हम लोगों ने कहाँ से इंडिकेट किया है, एच से। और आभासी गहराई का क्या मतलब है, आभासी गहराई का मतलब है ये हमको ये इतना कुछ उठा हुआ दिख रहा है, हमको उठा हुआ दिख रहा है, आभास हो रहा है कुछ उठा हुआ, तो जितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है वहाँ से इसकी ऊंचाई को, यहाँ से इसकी ऊंचाई को हम लोग कहेंगे, जितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है उसे हम लोग बोलेंगे आभासी गहराई, आभासी गहराई। आभासी गहराई को स्मॉल एस से इंडिकेट कर दिया गया, आभासी गहराई कहे या ऊंचाई कहे बात एक ही है। तो अब ये हो गया बात वास्तविक गहराई और आभासी गहराई की। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ऊपर एयर होगी, यहाँ पे ऊपर एयर है और अंदर वाटर है, यानी कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती है उसे N2, और जहाँ पे वापस जाती है उसे N1 कहते हैं। तो ये N1 है, ये N2 है। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1N1 1N2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पे होगा वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। 1N2 को हम क्या लिखते हैं, N2 अपान N1, जो बाद में है वो ऊपर, जो पहले है वो नीचे, N2 अपान N1 बराबर वास्तविक गहराई को हमने कहा H और आभासी गहराई को कहा स्मॉल H। तो N2 अपान N1 बराबर फार्मूला बन गया, N2 अपान N1 बराबर फार्मूला बन गया कैपिटल H अपान स्मॉल H। इन्हीं फार्मूले का यूज हमको क्वेश्चन में करना है। एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला हुआ ये पूछ लिया जाए कि विस्थापन कितना हुआ, मतलब कि कितना ऊपर हमको सिक्का दिखाई दिया, सतह पे है, सतह पे एकदम टच है, तो सिक्का हमको कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया उसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन,
किसी भी वस्तु का विस्थापन, तो वस्तु का विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन होने क्या मतलब है भाई, पहले सतह, सिक्का है सतह पे, हमको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखा रहा है, तो जो बीच का गैप है उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। विस्थापन को इंडिकेट किया गया है एक्स से, आप इसे एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर क्या आएगा, वास्तविक गहराई में से अगर हम आभासी गहराई माइनस कर दें, वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, तो मीडियम एन वन है वो एयर है, जो एन वन है, जो अपवर्तनांक एन वन लिया गया है वो हवा का लिया गया, वायु का अपवर्तनांक एक होता है, यानी कि अगर हम एन वन की जगह वन रख दें तो एच बराबर आ जाएगा कैपिटल एच अपान एन टू, कैपिटल एच अपान एन टू। अब जब एन वन का मान हमने वन रख ही दिया, यहाँ पे हम एन वन की जगह वन रखेंगे, इस एच का इधर मल्टीप्लाई होगा, एन टू मल्टीप्लाई में है तो अपान में आ जाएगा, तो स्मॉल एच बराबर आ गया कैपिटल एच अपान एन टू। यही इसी चीज़ को लिखा जाता है स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच अपान एन। भाई जब एन वन ख़त्म हो गया तो एन टू और एन वन कहने कोई बात ही नहीं रही, जब एन वन ख़त्म तो हमने एन टू को ही एन कह दिया, तो स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच अपान एन। यहाँ पे हम स्मॉल एच की वैल्यू रख दें तो एक्स बराबर हो जाएगा कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच अपान एन, स्मॉल एच का मान है ना कैपिटल एच अपान एन, रख दिया एच कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा क्या, वन माइनस वन अपान एन। विस्थापन बराबर वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, और एक याद रखना है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, इन्हीं दोनों मेन फॉर्मूले का यूज करके ये छोटे वाले फॉर्मूले हम अपने मन से बना लेंगे। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई मतलब समझ में आया, वास्तविक गहराई जो वास्तव की गहराई है, और आभासी गहराई मतलब हमको जितना ऊपर उठी हुई दिख रही है, और एग्जैक्ट कितना ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है वो उसके विस्थापन से पता चलता है। विस्थापन गहराई, विस्थापन बराबर वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, वास्तव में से हम आभासी माइनस कर दें तो कितना ऊपर उठा दिखाई दिया वो हमको पता चल जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे यूज की गई है। तो इतनी बात समझ में आई, अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल में कैसे ये थ्योरम लगानी है, कैसे इसको लगाना है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नोट है बोर्ड में, आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए। कहा गया है किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। पर अब यहाँ पे पानी की बात नहीं की गई है, काहे की बात की गई है, मेज की बात की गई है। तो कोई एक मेज है ऐसे, और उस पर एक कोई छोटी सी पिन ये रखी हुई है, इस पिन को कितने ऊंचाई से देखा गया है, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा गया है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये उसकी आँख है, ये यहाँ से कोई देख रहा है इस पिन को। उसके बाद कहा गया है 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के टुकड़े को, 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके को, गुटका क्या होता है, कांच का टुकड़ा को ही गुटका बोलते हैं, तो कांच का गुटका है, कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर, इस मेज के पृष्ठ के समांतर पिन और नेत्र के बीच में, यानी यहाँ पे ऐसे रख दिया गया है। इसकी मोटाई कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है, इसकी मोटाई दी है 15 सेंटीमीटर दिखाई देगी। अब इसी बिंदु से हमको फिर से पिन को देखना, जब तक कांच का गुटका नहीं रखा था तब तक कोई बात नहीं, आराम से दिख रहा था सब कुछ, जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे दिख रहा था। जैसे ही कांच का गुटका रख दिया गया तब वहाँ पे अपवर्तन होगा, माध्यम चेंज हो गया ना, माध्यम बदल गया, वायु और पिन के बीच में कांच आ गया, माध्यम बदल गया, तो यहाँ पे अब अपवर्तन होगा। गुटके की वास्तविक मोटाई दी गई है, लिख लें इसको, गुटके की कैपिटल एच बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक, और कांच का अपवर्तनांक दिया गया है कितना, 1.5, कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना, 1.5, और पूछा है कि कांच का गुटका रखने के बाद पिन हमको पिन नेत्र से कितनी दूरी पर दिखाई देगी, यानी हमको पिन का विस्थापन ज्ञात करना है। पिन का विस्थापन, विस्थापन एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच वन माइनस वन अपान एन, और ये फॉर्मूला कैसे बना था, याद है कैसे बना था, एन टू अपान एन वन किया था अभी, बराबर
कैपिटल एच अपान स्मॉल एच, और विस्थापन बराबर फार्मूला होता है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और यहाँ पे एन वन का मान एक होगा, क्यों यहाँ पे भी एन वन का मान एक होगा, क्यों, क्योंकि वायु है। तो एच बराबर फार्मूला बन जाएगा, स्मॉल एच बराबर फार्मूला बन जाएगा कैपिटल एच अपान एन। जैसे ही एन वन का मान हमने वन रखा तो एन टू क्या हो गया, एन हो गया। जब एन वन एन टू हट गए, केवल एन ही बचा, तो हम एन वन एन टू क्यों कहें, एन वन एन टू इसलिए कहते हैं जब दो होता है, जब केवल एक ही अपवर्तनांक बचा तो हम केवल एन कहेंगे। तो स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच अपान एन, यहाँ पे मान रख दिया गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच अपान स्मॉल एच, स्मॉल कैपिटल एच को कॉमन निकाल लिया तो बचा वन माइनस वन अपान वन माइनस वन अपान एन। यही हमने यहाँ पे यूज किया डायरेक्टली, तो ये आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, इस तरह लगा के भी कर सकते हैं, दोनों सही है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, कैपिटल H का मान रख दीजिए 15, 1 माइनस वन अपान एन 1.5। अब इसको आगे हमको सॉल्व कर लेना है एलसीएम लेके, पॉइंट हटाइए ऊपर जीरो बढ़ाइए, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो हो गया क्या, x बराबर 15 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाई 3, बचा क्या 3 माइनस 2 अपान 3, 15 इंटू 3 में से 1 माइनस किया आया 1 अपान 3, 3 × 5 = 15। तो x का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। विस्थापन कितना करना पड़ेगा सुई का, 5 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा क्या उत्तर गुटके की स्थिति पर निर्भर करता है, गुटके की स्थिति का मतलब है हम गुटके को और नीचे लाएं और ऊपर लाएं तो क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव कैसे पड़ेगा, गुटके की मोटाई से प्रभाव पड़ेगा। अगर हम 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले गुटके की जगह और ज़्यादा मोटाई का गुटका ले लें, 50 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें, तो फ़र्क पड़ेगा। अगर इसकी दूरी हम कम ज़्यादा करें, स्थिति को कम ज़्यादा करें, दूर पास करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी गुटके की स्थिति से नहीं, गुटके के साइज से फ़र्क पड़ेगा। अगर हम मोटा गुटका लेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई, कैसे करना है इन क्वेश्चन को।